हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। नंबर वन कि सॉलिड होता क्या है, किस सब्सटेंस को हम सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड बेसिकली किसी भी मैटर की एक ऐसी स्टेट होती है जब सारे पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, उस पर्टिकुलर मैटर के सभी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही पास पास अरेंज होते हैं। अब उसके पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो तीनों में से आपके कोई भी हो सकते हैं, ओके। अब ये जो सॉलिड है, अगर हम इसको फर्दर पढ़ें कि इसकी और कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव डेफिनेट मास, इनका मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होती है और शेप भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि अभी सॉलिड की शेप कुछ और थी, दो दिन बाद उसी सॉलिड की शेप कुछ और है। रियल सॉलिड जो होगा उसकी शेप, मास, वॉल्यूम ये फिक्स रहती है, ओके। नेक्स्ट, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब कि देखो ऐसे ये एटम्स एक दूसरे के पास क्लोजली पैक्ड थे, ओके। तो इसमें क्या है, अगर मैं इस साइड से कोई भी प्रेशर पी अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसको कंप्रेस करना चाहती हूँ कि इसके एटम्स एक दूसरे के और पास में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो एटम्स हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ में अटैच है, एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। तो इनको और ज़्यादा क्लोज नहीं लाया जा सकता और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। नंबर टू, दे आर रिजिड, इनकी ये वाली जो शेप है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेम ऐसा ही रहेगा, तो वो इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कि ये फिक्स रहती है, स्ट्रांग रहती है, ओके। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्ट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, देखो कितना छोटा सा डिस्टेंस है। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है, शॉर्ट होता है, इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो कैसे होंगे, स्ट्रांग नेचर के होंगे। नेक्स्ट चलो, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अगर मैं इस पर्टिकुलर एटम की बात करूं तो ये अपनी पोजीशन से कहीं भी मूव नहीं करेगा और इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑसिलेट करता रहेगा। ऑसिलेट मतलब कि यहाँ बैठ के और ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। ये कुछ ऐसे ही है कि आप जो एक व्हील वाली चेयर होती है, रोटेटिंग चेयर, उस पे बैठ के और गोल गोल घूमे जा रहे हैं। पोजीशन आपकी फिक्स है लेकिन सिर्फ आप रोटेट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये अपनी पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन। चलो नेक्स्ट, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, सॉलिड की, ओके। नेक्स्ट देखिए, किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉलिड में, उसके बेस पे किसी भी सॉलिड को दो कैटेगरीज में रखा जा सकता है। मतलब कि जिन पार्टिकल्स को मिला करके पूरा सॉलिड बना है, उन पार्टिकल्स के नेचर के बेस पे आप सॉलिड को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, एक सर्टेन ऑर्डर में होता है, जबकि अमॉर्फस के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे आप इन दो पिक्चर्स में देख सकते हो, क्रिस्टलाइन में देखो एक सेट ऑर्डर आपको दिख रहा है, सारे यहाँ पे सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अमॉर्फस में देखिए आप कि यहाँ पे कोई ऑर्डर है नहीं। देखो ये वाली, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये तो कितना बड़ा सा यहाँ पे सर्कल बन रहा है, लेकिन इसको देखो नीचे, और ये ओपन भी है, कनेक्टेड नहीं है ये दोनों, ठीक है। देन इसको देखो, ये ओवल शेप में कुछ बन रहा है, मतलब इसमें जो अरेंजमेंट है वो आपका ऑर्डर में नहीं है, इररेगुलर अरेंजमेंट है। तो ऑर्डर में अगर अरेंजमेंट है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं होता, जिन पार्टिकल्स को मिला करके सॉलिड बना है, जिनको इकट्ठा करके आपका सॉलिड बना है, उन्हीं को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर रेगुलरली अरेंज हैं तो वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा,
और अगर इररेगुलर अरेंजमेंट है तो वो अमॉर्फस सॉलिड होगा। ओके, अब एक एक करके देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सुनिए, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इनकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, मतलब कि एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होगी, जो है वही की वही रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक सर्टेन ऑर्डर जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक लंबी रेंज तक दिखाई देगा। जैसे मुझे यहाँ पे ये जो दो सर्कल दिखाई दिए, नेक्स्ट में देख रही हूँ तो भी सर्कल है, इसके आगे हम देखेंगे तो भी सर्कल है, एक लॉन्ग रेंज तक हमें यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि ये पैटर्न अकॉर्डिंग टू वेरियस क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंज हो सकता है। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग टाइप हैं। आप अगर सॉलिड को चेंज करेंगे तो उसका अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल शेप चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब यह है कि अगर आज आपने किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निकाला और लेट्स से वो आपको मिला 34 डिग्री सेल्सियस, तो कल भी अगर आप उसको देखेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको मिलेगा 34 डिग्री सेल्सियस। ऐसे नहीं है कि आज 34 है, कल 35 था, या इनके बीच में कुछ 34.5 मिल जाए, एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन आइसोट्रोपिक में क्या होता है, पहले समझते हैं आइसो जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, देन आपको एन आइसो अच्छे से समझ आएगा। आइसो का मतलब होता है सेम। कहीं भी अगर दो चीजें सेम है तो हम वहां पे टर्म आइसो यूज कर लेते हैं। ओके, एन आइसो मतलब जो सेम नहीं है, उल्टा हो गया। ओके, अच्छा, अब ये एन आइसोट्रॉपिक का मतलब कि जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सॉलिड की, तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम मेजर करेंगे तो उनकी अलग अलग वैल्यूज आएगी अलग अलग डायरेक्शंस में। कहने का मतलब है कि देखो, अगर हम ऐसे देखें, ये जो है इसमें एक सेट ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसको डिफाइन करना हो अमंग क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, तो हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि एक सेट ऑर्डर हमें दिख रहा है। अगर सेट ऑर्डर दिख रहा है और आप मान चुके हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो देखो अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग मूव करूं, स्ट्रेट नहीं गई लाइन, कोई नहीं, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये रेड बॉल और रेड बॉल दोनों मुझे क्या मिली, रेड वाली बॉल मिली। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चलते यहां से, तो मुझे कौन सी बॉल्स मिल रही हैं, अभी मुझे सिर्फ ये व्हाइट वाली जो है होलो स्क्वायर टाइप में ये वाली मिली। आप कह सकते हो कि मैम आप यहां से भी चल सकते हो, बिल्कुल चल सकते हैं। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही यहां मुझे कंप्लीट व्हाइट बॉल मिली, यहां कंप्लीट रेड बॉल्स मिली, और इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज आ गई ना। जेड एक्सिस के अलोंग अगर मूव करेंगे, यहां से हम मूव कर रहे हैं, तो हमें ऑल्टरनेट फैशन में व्हाइट रेड देखने को मिल रहा है। कंक्लूजन ये है कि आपको हर डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलती हैं। अगर हमें अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसी को हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक नेचर। ध्यान रहे कि हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी है, कि ये जो अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की अलग अलग वैल्यूज हैं। फाइन, नेक्स्ट देखिए, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इनके हीट ऑफ फ्यूजन को हम निकालते हैं तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलती है। सेम वो अपना जैसे मेल्टिंग पॉइंट था कि एक फिक्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, वैसे ही हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जब हम देखेंगे तो वो एक डेफिनेट वैल्यू होगी। ओके, फ्यूजन का कुछ मतलब नहीं होता। फ्यूजन इज कि आपका जैसे एक सॉलिड सब्सटेंस रखा है, दूसरा रखा है, दोनों आपने पास में रख रखे हैं, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर देन मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। दो सॉलिड्स को आपने मिक्स कर दिया तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। इस फ्यूजन प्रोसेस के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ हीट, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी, उसी को आप कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं वो अच्छे खासे किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज है।
ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, कि असली सॉलिड तो यही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके। व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल स्प्लिट इनटू पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। जैसे कि आपने सोडियम ले लिया, कोई चाकू लिया और उससे आप इसको काटने लगे, बीच से हमने काट दिया, तो अगर आप इसको कट करेंगे तो होगा क्या कि आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कट मिलेगा इसके अंदर, दोनों पीसेस अच्छे से डिवाइडेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये, अगर मैं इसको ए और इसको बी मान लेती हूँ, पीस ए जो है वो काटा हमने इतना था और ये थोड़ा ऐसे बिखर गया बाद में, ऐसा नहीं होता। नाइफ से अगर हम उसको कट भी कर रहे हैं तो वो एक बहुत क्लीन कट वहां पे देखता है, साफ सुथरे तरीके से कट जाता है। देखिए, ये आपको वही क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल दे रखा है जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, ठीक है। इसके अंदर वही अनआइसोट्रॉपिक नेचर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो, अगर आप सीडी के अलोंग मूव करोगे तो आपको कोई भी बॉल्स नहीं मिली, एबी के अलोंग मूव करोगे तो यहाँ पे जो लाइन के यहाँ पे एनवायरमेंट था वो थोड़ा अलग था, बॉल तो यहाँ भी कोई नहीं मिली है, लेकिन यहाँ बी के साइड में कौन सी है, देखो सारी ब्लू बॉल्स, इस साइड में सारी ब्लू बॉल्स है, इस साइड में सारी की ये रेड बॉल्स है, जबकि यहाँ पे देखे तो ब्लू रेड एक ऑल्टरनेट फैशन में, मतलब अलग अलग वैल्यूज आपको मिल रही है, उसी चीज को समझा रहा है। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स या फिर पॉलीमॉर्फ्स। अब ये क्या होते हैं, ये तो कुछ नया सा सुना हमने। जो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं एक ही सब्सटेंस की, उन अलग अलग फॉर्म्स को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, या सिंपली आप उनको बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फ्स। जैसे कि ग्रेफाइट और डैंट दोनों बने होते हैं कार्बन के, दोनों में कार्बन के अलावा और कोई एटम नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन का अरेंजमेंट अलग है, डायमंड में अलग है, इसीलिए इन दोनों को आप बोल सकते हैं दीज आर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, या फिर सिर्फ ग्रेफाइट की बात हो तो हम उसको बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फ, ओके। अच्छा, अब हमने क्रिस्टलाइन के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज और ये सब डिस्कस किया, तो थोड़ा अमॉर्फस का भी देख लेते हैं। देखो, क्रिस्टलाइन में आपके पास एक रेगुलर शेप थी ना, ऑर्डर था एक, यहाँ पे क्या होती है इररेगुलर शेप, कोई ऑर्डर नहीं होता, और अगर यहाँ कोई ऑर्डर देखने को मिल भी जाए बाय चांस, तो वो हमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही थोड़े से टाइम तक कुछ ऑर्डर होगा, फिर दोबारा इररेगुलर फैशन स्टार्ट हो जाएगा। दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि कुछ टेम्परेचर के रेंज पे, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट की आपको एक रेंज देखने को मिलेगी। क्रिस्टलाइन में हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा था, मतलब अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस ए, मैं इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड मान रही हूँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट मिलता है 42 डिग्री सेल्सियस, आप आज देखो, कल देखो, परसों देखो, ये आपको 42 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, जबकि किसी अमॉर्फस सॉलिड बी का अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देखूँ तो ये मुझे आज मिला 24 डिग्री सेल्सियस, मैंने शाम को देखा 24.2 डिग्री सेल्सियस, देन आप सुबह देख रहे हो 24.3 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद किसी ने देखा तो 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये एक रेंज में लाय करता है, इससे बाहर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 23 मिल जाए, 21 मिल जाए, वो तो फिर मेल्टिंग पॉइंट हुआ नहीं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एक रेंज, तो कुछ तो लिमिटेड एरिया होगा ना कि इतने से इतने में ही लाय करेगा, तो 24 से 25 तक फॉर एग्जाम्पल इसकी रेंज एक मिल रही है, एग्जैक्ट एक नंबर नहीं है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इसका जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, आइसो मतलब सेम, अन आइसो में भी हमने क्या पढ़ी थी, एन आइसोट्रॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम कहते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी वैल्यू सेम होती है इन एवरी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में आपको सेम वैल्यू मिलेंगी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, तो उस नेचर को बोला जाता है आइसोट्रॉपिक नेचर, और हमारे अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे कट इनटू पीसेस विद इररेगुलर सरफेसेस। आप लोगों ने बर्फी खाई होगी, कभी एक काम करना, बर्फी को फ्रिज में थोड़ी देर रख देना, एक दो घंटे के लिए,
देन उसको बाहर निकाल के आप चाकू से कट करना। जब आप कट करेंगे वो अच्छे से कट हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसे कट हो, थोड़ा बहुत यहाँ से चूरा चूरा बिखर गया, थोड़ा ये वाला कोना थोड़ा सा बिखर गया। काटा तो आपने एग्जैक्टली था, लेकिन वो थोड़ा सा बिखर गया। जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड को काट के देखो, वो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स बिखर जाएंगे। तो उसको हम कह रहे हैं कि हमारा अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो भी ऐसे ही कटता है, वो एक क्लीन कट नहीं देता। ओके, नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज की वजह से हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड मतलब, स्यूडो मतलब झूठा, झूठा, या आप इसको बोल सकते हैं फेक, कि ये दिख तो रहे हैं सॉलिड की तरह, लेकिन कुछ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग हैं सॉलिड से, जो सॉलिड की होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्यूडो सॉलिड्स। या इसका दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसे लिक्विड जिनको बहुत ही एक्सटेंटिव टेम्परेचर पे ले जा करके आपने कूल कर रखा है। तो जैसे कांच होता है, ग्लास, ग्लास एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या किया होता है, उसको सुपर कूल किया होता है, फिर जाके वो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्टेड रहता है, तो हम कहते हैं सुपर कूल लिक्विड, ठीक है। और ये सुपर कूल लिक्विड, देखो नाम से आ रहा लिक्विड, अब लिक्विड होंगे तो उनकी टेंडेंसी टू फ्लो तो होगी, फ्लो तो करेंगे ही वो, ठीक है, बहुत स्लोली करेंगे लेकिन करेंगे। ओके, तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कितने टाइप के होते हैं। मेनली इसके फोर टाइप्स हैं, एक एक करके चारों को देखते हैं। नंबर वन, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हों, या हम कह सकते हैं कि ऐसे सॉलिड जो कि मॉलिक्यूल्स की मदद से बने हुए हों, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए और उससे पूरा का पूरा सॉलिड जनरेट हो गया, तो हम उसको कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ओके, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर तीन तरीके का होता है। फर्स्ट वन नॉन पोलर सॉलिड, सेकेंड पोलर सॉलिड, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये वाई गायब है, ई भी गायब, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, नॉन पोलर सॉलिड, अब इन सभी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर सॉलिड्स, इसके अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल कौन होगा, मॉलिक्यूल। पोलर सॉलिड में भी मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड में भी मॉलिक्यूल, क्योंकि टाइप किसका है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो जाहिर है कि ये किन से बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा। नेक्स्ट देखिए, बॉन्डिंग या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉलिड्स की, ऐसे सॉलिड जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को मिला करके बने हुए हैं, उनके अंदर किस तरीके की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, तो हम कहेंगे कि उनमें डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। पोलर सॉलिड्स, पोलर सॉलिड्स के अंदर डायपोल 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 इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। और सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो डिस्पर्जन या फिर लंडन फोर्स, पोलर सॉलिड है तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डेड है अगर, तो इसके नाम में ही आ गया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर होगी, ठीक है। अब इन तीनों की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, नहीं है, क्या है। एक सेकेंड, डन। देखो, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, नॉन पोलर सॉलिड जो है वो इंसुलेटर टाइप के होते हैं। पोलर सॉलिड भी आपके इंसुलेटर टाइप के हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड भी आपके इंसुलेटर टाइप के होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास नहीं हो सकती। फिजिकल नेचर, हमारे पोलर और नॉन पोलर सॉलिड दोनों ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड अगर होगी तो उसमें क्या होता है, थोड़े से हार्ड होते हैं। देखो, ये हमारी सेम चीज आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इन दोनों फोर्सेस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग नेचर की होती है, इसीलिए
ये जो हमारा सॉलिड था उसका नेचर भी कैसा हो गया, हार्ड। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्डिंग के आते ही नेचर कैसा हो जाता है, फिजिकल नेचर स्ट्रांग हो जाता है। बॉन्डिंग कंपैरेटिवली वीकर हो तो नेचर भी कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो जाएगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट, अब ये इंसुलेटर्स भी हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट है, बॉन्डिंग वीक है, बॉन्डिंग वीक है तो मेल्ट करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लेगा, इजीली मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है। मतलब ये तो बेचारा वेरी लो है, क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग थी इसके अंदर वो बहुत ही वीक बॉन्डिंग थी। नेक्स्ट देखो डायपोल डायपोल फोर्सेस, इनमें क्या होता है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन डिस्पर्जन फोर्स के कंपेरिजन में थोड़ी स्ट्रांग होती है, इसीलिए इसका नेचर जो है या इसका मेल्टिंग पॉइंट बोले तो वो लो होगा, लेकिन वेरी लो नहीं होगा। सिमिलरली क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इन तीनों में ही काफी अच्छी थी, अच्छी मतलब काफी स्ट्रांग थी, इसके और इसके कंपैरिजन में तो ये स्ट्रांगर थी ना, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा मिलेगा, लो मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे हाई क्यों नहीं है, हाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इसमें नहीं कर रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी एक्सटेंट होती है, किसी में थोड़ी वीक किसी में थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग, तो इसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वीक नेचर की है। क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, लो है। ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड देखिए, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड नाम से पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, आयंस होंगे। आयंस क्या होते हैं, देखो कभी भी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो दोनों ही मेथड से एटम कन्वर्ट हो जाता है आयन में। ओके जैसे सोडियम, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। वहीं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl माइनस बना लेता है, तो क्लोरीन भी ये Cl माइनस और Na पॉजिटिव ये दोनों क्या बन गए, आयन बन गए। जबकि Na और Cl ये दोनों हमारे पास क्या थे, एटम थे। ठीक है तो एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर लेता है। ये जो आयंस हैं ये मिल करके जब कोई सॉलिड को जनरेट करेंगे तो हम उसको कहेंगे आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर क्योंकि देखो Na पॉजिटिव Cl माइनस इनके अंदर जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग या टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या आप उसको बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्सेस। फाइन अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, देखो आपका जो आयनिक सॉलिड है इसकी दो स्टेट हो सकती है। हो सकता है कि हमारा आयनिक सॉलिड जो है वो सॉलिड ही स्टेट में हो, हो सकता है कि वो थोड़ा सा मेल्ट कर गया हो और वो मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो। सॉलिड स्टेट में अगर आयनिक सॉलिड होगा, सॉलिड स्टेट में इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई फ्री आयन नहीं होता, इस वजह से सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे या ड्यू टू टेम्परेचर वो अपने आप ही मेल्ट कर जाएगा, तो आयनिक सॉलिड जो है उसके पास अवेलेबल हो जाते हैं फ्री आयंस। अब इन फ्री आयंस की वजह से आयनिक सॉलिड जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, यानी कंडक्टिविटी शो कर सकता है। दो चीज समझ आई। तीसरा केस देखो, आपने क्या किया, कोई आयनिक सॉलिड लिया और इस आयनिक सॉलिड को डाल दिया पानी में, एक्वस सॉल्यूशन बन गया उसका, पानी के साथ बना सॉल्यूशन बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है अब ये जो इसका एक्वस सॉल्यूशन बना है, इस टाइम पे ये जो आयनिक सॉलिड था इसके पास प्रेजेंट होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी करेगा। कभी भी किसी भी सॉलिड के पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो, दोनों ही स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयंस हो, तो वो क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। ओके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में कैसा होगा, इंसुलेटर,
लेकिन मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में कैसा होगा कंडक्टर, कौन हमारा आयनिक सॉलिड। अब ये जो आयनिक सॉलिड है इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि आप लोगों ने सनमाइका देखी होगी, टेबल जो होती है उस पर लगी होती है, पतली सी परत होती है, ठीक है, वो जो है आप उसको मोड़ने की कोशिश करो, अगर आप उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे वो बेंड नहीं होगी, वो टूट जाएगी, उस नेचर को हम क्या बोलते हैं ब्रिटल नेचर। तो ये जो हमारा आयनिक सॉलिड है ये हार्ड है लेकिन ब्रिटल है, ओके। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो हाई मिलता है, क्यों, क्योंकि ये जो कोलंबिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। अब अगर पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रांग फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो जाहिर है कि इसको मेल्ट करने में ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देंगे तो हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, इसके एग्जांपल्स देखिए, CaF2, ZnS, MgO, NaCl, ये सभी किसके एग्जांपल हैं आयनिक सॉलिड के। नेक्स्ट कम्स मेटालिक सॉलिड। एज द नेम सजेस्ट मेटालिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे, मेटल्स हैं, तो देखो मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होती है, कोई भी मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर लेता है, करना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो हमें मेटालिक सॉलिड जो होते हैं उसमें क्या लगता है कि बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स पड़े हुए हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो ऑल अराउंड हमें ये पूरा कलेक्शन कैसे दिखता है, जैसे कोई समुद्र हो, कोई सी हो ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डी लोकलाइज मतलब जो अपनी पोजिशन से हट चुके हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, ओके फाइन। देन इसके टाइप मेटालिक सॉलिड में किस तरीके की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, इसकी जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है उसका नाम ही है मेटालिक बॉन्डिंग। अब क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जाहिर है कि ये कंडक्टर नेचर शो करेगा। और गजब है कि मेटालिक सॉलिड जो है वो सॉलिड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, दोनों ही स्टेट में कंडक्टिविटी शो करता है, एज अ कंडक्टर एक्ट करता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में होने पे भी मेटालिक सॉलिड के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसी वजह से ये कंडक्टिविटी दिखाता है। इसका फिजिकल नेचर हार्ड होता है लेकिन मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। मेलिएबल हम जानते हैं कि हम इसको पीट पीट के पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको काट काट के बहुत ही पतली पतली वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम कहेंगे मेलिएबल, और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम कहेंगे डक्टाइल, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, फेयरली हाई होता है, मतलब हाई की ही रेंज में आता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जितने जो भी मेटल्स होते हैं उसी में एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखो आपका आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, Ag सिल्वर, Mg मैग्नीशियम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। बहुत सारे एटम्स मिल करके एक पूरा जाल बना लेते हैं, और इसीलिए हमने इसका नाम रखा है नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि इनमें जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। डिफरेंट एटम्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, इसीलिए इसका नाम है कोवेलेंट सॉलिड। जाल बना लेते हैं इसीलिए आप बोल सकते हो नेटवर्क सॉलिड, ये दो इसके नाम है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवेलेंट सॉलिड, ये दोनों ही स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी कंडक्टर नेचर शो करते हैं। अगेन इनका सेम रीजन है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके। इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये हार्ड होते हैं लेकिन मेलिएबल और डक्टाइल है। मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई, फॉर एग्जाम्पल SiO2, या हम इसको बोल सकते हैं क्वार्ट्स, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, देन आपका कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, या फिर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट।
अब ये जो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड हमारे पास है तो हमें पता है कि ये हार्ड होता है, लेकिन एक बात बताओ, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट अगर है क्या वो हार्ड होता है? ये हार्ड नहीं होता। देखो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट हमें थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। क्यों शो करता है? इसका रीजन लाया करता है इसके स्ट्रक्चर में। हालांकि दोनों चीजें डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ही बने किससे हैं? कार्बन से। कार्बन के अलावा और कोई नहीं होता इनमें, लेकिन इनका फिर भी नेचर अलग है। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आप कोई भी जो ब्लू ब्लू गोल गोल दिखा रखे हैं, ये सभी बॉल्स जो बनी हुई हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम। हर एक बॉल का मतलब है वन कार्बन एटम। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी बॉल को उठाएंगे तो एवरी कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद फोर डिफरेंट कार्बन। हर कार्बन जो है वो आगे चार डिफरेंट कार्बन से अटैच है। ठीक है, किसी को भी उठा सकते हैं, बस ये एंड वाले मत काउंट करना, क्योंकि ऐसे तो आप स्ट्रक्चर पूरा बना सकते हो। आप चाहो तो इसको भी बना दो ऐसे, हमें कहीं तो लिमिट रखनी पड़ेगी ना स्ट्रक्चर को एंड करने की। पूरे पेज पे तो हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते इसी का ही। ठीक है, तो ये छोटे में दिखा, बाकी आप बीच में से कोई भी कार्बन उठा लो, एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद फोर डिफरेंट कार्बन एटम। तो यानी इस कार्बन के पास में सारे ही बॉन्ड बने हुए हैं, इसी वजह से ये कैसा है? हार्ड है। लेकिन अगर इसको हम देखें, आपको ये दिख रहा है कि ये पूरा एक लेयर है, फिर ये पूरी एक लेयर है, देन ये पूरी एक लेयर है। ये कुछ ऐसे लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो लेयर्स होती हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, ये जो वीक वैन डर वाल फोर्सेस इसमें एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करने की टेंडेंसी रखती है। इसीलिए ग्रेफाइट का नेचर भी कैसा होता है? स्लिपरी या फिर ग्रीसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट में अगर आप किसी भी बॉल को उठाएंगे तो यहाँ पे एवरी कार्बन इज कनेक्टेड विद थ्री डिफरेंट कार्बन। यानी कि ये जो कार्बन है इसका एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? फ्री होगा। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्री है तो फिर वो आसानी से कंडक्टिविटी दिखाएगा, बहुत अच्छे से दिखाएगा। ठीक है, फ्री है तो फिर ये हार्ड होगा क्या? नहीं है, सॉफ्ट नेचर दिखाएगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास प्रेजेंट है, इसी की वजह से इसका नेचर कैसा होता है? बाकियों से अलग होता है। डायमंड और ये सब एक कैटेगरी में आते हैं, ये एक्सेप्शनल है इसी कैटेगरी का। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? आपके सामने ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो एक क्यूब, ये जो शेडेड वाला है रेड, इसके पीछे भी एक क्यूब है ना, देखो ये वाला और ये, ठीक है, वन। एक तो ये पहले से जो शेडेड था, एक जो मैंने अभी किया, दो हो गए। एक देखो इनके पड़ोस में ये वाला भी तो है, डोंट वरी, आपको बनाना नहीं आएगा एग्जाम में, कोई नहीं पूछता बनाने के लिए, हमारे समझने के लिए जरूरी है। ये जो ब्लू वाला मैंने अभी बनाया, अब पूरे को मैं शेड कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है, थ्री हो गए। अब ये ब्लू वाले के आगे भी कोई होगा ग्रीन कलर में, ऐसे यहाँ पे भी होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास बहुत सारे क्यूब्स को हमने इकट्ठा करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो वन क्यूब है, एक जो क्यूब है उसको हम क्या बोलते हैं? इस एक क्यूब को हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल है, ये जो क्यूब है, ये बना किससे है? देखो यहाँ पे अलग अलग डॉट्स, ये हो गया, ये हो गया, ये, आप सारे कॉर्नर को उठा लीजिए। एवरी कॉर्नर यहाँ पे है ना, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि कॉर्नर फॉर्म कर रहे हैं, इन हर एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, या आप बोल सकते हैं लैटिस साइट। ठीक है, जब एक यूनिट सेल आपने रख लिया, उसके बाद आप बहुत सारे यूनिट सेल सेम साइज के कंबाइन कर देंगे रेगुलर फैशन में, तो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है, इस बड़े से स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो जैसे हमारे घर बनते हैं
घर बनते हुए क्या होता है कि पहले ब्रिक होती है, ईंट, ईंट को मिला करके पूरी की पूरी वॉल जनरेट हो जाती है, दीवार बन जाती है ना, और बहुत सारी दीवारें मिल करके पूरा का पूरा रूम या पूरा का पूरा घर बना देती हैं। सिमिलर मैनर में पहले हमारे पास कौन होता है, लेटेस्ट पॉइंट, या आप इसको बोल सकते हैं लेटेस्ट साइट। बहुत सारी लेटेस्ट साइट मिल करके क्या बना लेती हैं, वन यूनिट सेल, और बहुत सारे यूनिट सेल मिल करके क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ओके, नेक्स्ट देखो। अब ये जो यूनिट सेल है, इसको पढ़ने के लिए, कि आपके सामने एक यूनिट सेल बना हुआ है, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो है उसकी डायमेंशन, यानी उसकी एज लेंथ। एजेस को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप उसको स्मॉल ए बी सी की फॉर्म में कर सकते हो। देन आपके पास अगर आप एंगल स्टडी करेंगे, आप उसको अल्फा बीटा एंड गामा की फॉर्म में कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो हमारे पास अगर पैरामीटर्स पूछता है कि कितने पैरामीटर्स होते हैं एक यूनिट सेल को पढ़ने के, तो हम कहेंगे दो टाइप है, एक हो गया एज लेंथ, दूसरा हो गया एंगल। एंगल पूछे तो तीन तरीके के, अल्फा बीटा गामा, और एज लेंथ पूछे तो ए बी सी। ठीक है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ इट हमने पूरा का पूरा एक सेवन क्रिस्टल सिस्टम जनरेट कर लिया है, जो कि यहां आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, देखो ऐसे एक लाइन याद रख सकते हैं आप लोग, सी टी ओ एच आर एम टी, ये तो ठीक है, सी टी ओ इतना तो लिखा ही हुआ है इसने, बस ये एच आर हो गया, एम को नीचे ले जाना इधर पे, एम और फिर बाद में टी। ये मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। ये जो वाले, ये जो है हमारे पास, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क में आपका डायरेक्ट आ जाता है, और इससे यही पूछता है कि इस टाइप ऑफ क्यूबिक सिस्टम के लिए किस तरीके की बॉन्डिंग होगी, किस तरीके से एंगल लाए करेंगे, बता दीजिए। डायरेक्ट सिर्फ आपको टिक करना होता है। तो देखो, अगर हम क्रिस्टल सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। नंबर वन इज क्यूबिक, देन टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, क्यूबिक के अंदर क्या होता है, या आप इधर देखो, इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो CTO, आप इसमें लिख सकते हैं A is equal to B is equal to C, then आपका A is equal to B not equal to C, then दोनों को कट कर दो, A is not equal to B not equal to C, सॉरी। ठीक है, अभी देखो वापस चलो, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, A पहले A is equal to B equal to C, then A equals to B not equal to C, एंड देन आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब हम इसको कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, मतलब इससे वापस इस पे चले और यही सेम लिख दिया। अब इससे पहले आपने क्या लिखा था, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, उसी को यहाँ लिख दो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और एंड के लास्ट में कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल। आपके पास कोई और मेथड हो तो आप उससे लर्न कर सकते हैं, लेकिन आई गेस ये कुछ बच्चों को हेल्प करेगा। ठीक है, ये ए बी सी का पैटर्न अगर हम लर्न करना चाहें तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। अब अल्फा बीटा गामा में देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। देखो अल्फा बीटा गामा में क्या है, सी टी ओ एच आर एम टी, सी सी टी ओ, इनमें देखो ए अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, और यहाँ भी अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू 90 इक्वल गामा इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब कि पहले तीन में तो तीनों ही चीजें सेम है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म। उसके बाद कौन है, हेक्सागनल, इसमें क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, आर, आर इज रोम्बोहेड्रल, या इसका दूसरा नाम है ट्राइगोनल, दो नाम है इसके। ठीक है, यहाँ पे अल्फा
इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. आर से पहले एच में देखो आपने क्या लिखा था, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू 90 डिग्री ना. एम स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक. देखो इसमें भी क्या आएगा, आप इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. टी लास्ट में जो बचा ट्रैक ले रहे, देखो एबीसी वाले में भी लास्ट में कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं था, सेम यहाँ पे है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है. सिर्फ इसको लर्न कैसे किया जा सकता है कि पहले तीन जो है उनमें तीनों एक दूसरे के इक्वल है एंड इक्वल टू 90 डिग्री, उसके बाद लास्ट वाला जो है उसमें कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सब क्या हो गए नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ना एक दूसरे के इक्वल ना 90 डिग्री है. बचे कौन, बीच के तीन रह गए ये वाले, इनको कैसे करेंगे. पहले वाले में अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लास्ट सेकेंड में भी अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे गामा इक्वल है 120 के, यहाँ गामा नॉट इक्वल टू 90. बीच आर वाला एक आपको थोड़ा रोम्बोहेड्रल लर्न करना पड़ेगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. दैट्स इट. इसमें एक चीज और रह गई कि आप ये कैसे याद रखेंगे कि हमें लिखना क्या है, मतलब कि एक सेकेंड जो आपका ये वाला है. देखो सी टी ओ एच आर, एम के बाद यहाँ टी भी था. आप अपने किसी फ्रेंड से नोटबुक लेने गए और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं दे रहा, तो आप उसको बोल रहे यार इतना भी कठोर मत बन तू, दे दे मुझे अपनी नोटबुक. तो यही हमारी राइम थी कठोर, स्पेलिंग थोड़ी सी कोई बात नहीं, अब राइम है तो इतना चल सकता है. कठोर ये याद रख लेना, कठोर की स्पेलिंग वैसे ह नहीं होता उसमें, पर राइम के लिए हमें चाहिए कठोर मत. M stands for monoclinic, T stands for triclinic. कठोर मत बन, बन में हमारा सिर्फ ऐसे ही राइम के लिए लर्न कर लिया हमने. ठीक है. नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं. यूनिट सेल दो तरीके की हैं, एक हो गया प्रिमिटिव या आप उसको बोल सकते हैं सिंपल यूनिट सेल, नेक्स्ट इज सेंटर्ड यूनिट सेल. प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल का मतलब है जब आपकी यूनिट सेल के, यानी ये जो हम बनाते हैं क्यूब, क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, एट एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर पे है लेकिन कॉर्नर पे है, कॉर्नर के अलावा कहीं पे भी नहीं है, ओनली एट द कॉर्नर, तो आप उसको बोलेंगे प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल. जब कॉर्नर के क्यूब के कॉर्नर पे भी एटम होंगे और उसके साथ साथ कहीं और भी होंगे, हो सकता है बॉडी के सेंटर में या फेस के सेंटर में कहीं और भी प्रेजेंट है एटम, तो हम उसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल. सेंटर्ड यूनिट सेल हमारे पास तीन तरीके की हैं. पहले आ गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि आपके क्यूब के हर फेस पे, देखो ये ले लेते हैं, वैसे ये क्यूबॉइड टाइप में है समझने के लिए सिर्फ हम ले रहे हैं. ठीक है. ये वाला जो है ए बी सी डी ई, इसको एफ ले लेते हैं, जी और एच, तो आपका जो ए बी सी डी ये वाला फेस है, इसके फेस के सेंटर पे एक एटम होगा बी एच जी सी, इसके फेस के सेंटर पे एटम होगा ए ई एफ डी, इसके फेस के सेंटर पे होगा ई एच जी एफ, इसके फेस के सेंटर पे होगा, यानी हर एक फेस के सेंटर पे एटम है तो हम उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. यानी कि आपके कॉर्नर पे तो है ही, वो तो फिक्स है, प्लस में एट एवरी फेस सेंटर एटम इज प्रेजेंट, तो हम उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है जब कॉर्नर पे हो, एट एवरी कॉर्नर, प्लस बॉडी के सेंटर पे भी हो, तो हम उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. अब आपको पता ही है कि ये अगर हमने क्यूब माना हुआ है, हालांकि ये क्यूबॉइड बना है हमारे सामने, हम मान के चल रहे हैं क्यूब है, मान सकते हैं ना ऑलमोस्ट, थोड़ा लेंथ का फर्क है बट इट्स ओके, कंसेप्ट हमारे समझ में आ जाएगा इससे. इसके हर कॉर्नर पे एटम है, ठीक है, और इसके बॉडी के सेंटर पे भी एटम है. बॉडी का सेंटर मतलब कि इस बॉडी का पूरा ये सेंटर, यहाँ पे भी एटम, तो बॉडी का सेंटर तो एक ही होगा, तो एटम भी तो एक ही होगा. ठीक है. तो बॉडी सेंटर पे एटम कितना होगा, वन एटम.
फेस सेंटर पे कितना होगा, हर फेस के सेंटर पे, एक फेस के सेंटर पे अगर एक एटम है, जैसे यहां पे अगर है, यहां पे एटम, तो देखो इसका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा। यहां पे कोई और भी हो सकता है, ऐसे। तो ये जो एटम होगा, ये दो क्यूब में शेयर हो रहा है ना, एक तो इस वाले में, ब्लू वाले में, और एक रेड वाले में। तो मैं कह सकती हूँ कि ब्लू वाले बॉक्स के अंदर इस एटम का हाफ पार्ट आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हाफ एटम इज कंट्रीब्यूटेड वाया फेस, वाया वन फेस ऑफ एनी क्यूब। टोटल फेस कितने होते हैं, एक क्यूब के टोटल फेस होते हैं सिक्स। तो फिर टोटल एटम्स कितने हुए, सिक्स इंटू हाफ यानी कि थ्री। तो फेस के सेंटर से एटम कितने आएंगे, थ्री। बॉडी के सेंटर से एटम कितने आ रहे थे, वन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस एनी टू ऑपोजिट फेसेस, किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे। अब देखो एक फेस के सेंटर से एटम कितना आ रहा था, हाफ। तो दो फेस के सेंटर से एटम कितना आएगा, टू इंटू वन बाई टू विच इज वन। तो दो फेस के सेंटर से वन एटम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए। अब आप यहां से समझ सकते हैं हमारी जो एक छोटी सी चीज रही है कि कॉर्नर से एटम कितना कंट्रीब्यूट होगा, वो तो हमने डिस्कस किया नहीं अभी तक। तो देखो ये अगर आपको विजिबल है अच्छे से, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं वो आप बता सकते हैं, ध्यान से देखो, अच्छे से समझना इसको। ये वाला देखो वन, ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, ये ब्लू वाला एक क्यूब है ना, इस क्यूब के साथ में भी एक क्यूब है, दो क्यूब हो गए, इस क्यूब के पीछे भी एक क्यूब है ये वाला, तीन क्यूब हो गए, और ये पीछे वाला है, ये साथ वाला है, इन दोनों के यहां पे भी तो एक है ये वाला क्यूब, कितने हुए, फोर क्यूब्स। अब इन्हीं चारों के नीचे भी तो चार क्यूब हैं, टोटल कितने हुए, एट क्यूब्स। एट क्यूब्स अगर ये हुए, अब शायद आपको विजिबल हो, तो ये जो यहाँ पे एटम रखा हुआ है, ये एटम का किस किस क्यूब के अंदर पार्ट आ रहा है, आठों क्यूब में आ रहा है। तो फिर हम बोलेंगे कि अगर एक एटम एट क्यूब्स में प्रेजेंट होता है, तो एक क्यूब में एक कॉर्नर से वन बाय एट्थ पार्ट ऑफ एटम आता है। ठीक, अगर एक क्यूब में एक कॉर्नर से वन बाय एट एटम आता है, तो एक क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, एट कॉर्नर्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट कॉर्नर्स। तो हम लिखेंगे एट इंटू वन बाय एट, वैल्यू कितनी आई, वन। तो कॉर्नर से, सारे एट कॉर्नर से, एट कॉर्नर से एटम कितना, वन एटम। नेक्स्ट थिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नियरेस्ट नेबर में कितने पार्टिकल हैं एक पर्टिकुलर एटम से, वो उस पर्टिकुलर एटम का क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग डायमेंशंस में हो सकती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ बहुत काम आएगा आपको। देखिए पैकिंग से ज्यादा हमारे काम का जो है मेन पॉइंट फॉर द एग्जाम, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। पैकिंग बस हमें समझने के लिए है कि हमें थोड़ा समझ आ जाए कि बात चल क्या रही है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ये वन डायमेंशन में हो सकता है, टू डायमेंशन में हो सकता है, एंड देन ये आपका थ्री डायमेंशन में भी पॉसिबल है। ठीक है, थ्री डायमेंशन, पहले वन डायमेंशन देखते हैं। ये जो आपके सामने ग्रीन कलर की बॉल्स बनी हुई है, सबको हमने क्या किया, एक ही लाइन में रख दिया, एक लाइन में है तो वन डायमेंशन। ओके,
अच्छा, अब इसमें ये जो बीच वाले एटम्स हैं, कोई भी एटम अगर आप उठा लें तो उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। बस ये हमारे लर्न करने की चीज है कि वन डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम ये एंड वाले, ये और ये, तो कहीं तो हमें स्ट्रक्चर को रोकना पड़ेगा ना, लेकिन इनके लिए हम मतलब काउंट नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो इनकी कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे देखिए टू डायमेंशन। टू डायमेंशन के अंदर दो तरीके हैं, पहला तो है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ रखा हुआ है एक लेयर, उसके जस्ट नीचे, इस वाले के जस्ट नीचे एटम रखा है। रख तो हम ऐसे भी सकते थे ना, देखो वन, एक लेयर हमने ऐसे रख ली, दूसरी लेयर आप इन दोनों के बीच में रख सकते हो। ऑल्सो दूसरी लेयर में आप ये कर सकते हो कि अगर ये एक एटम था तो इसके जस्ट नीचे एक एटम रखा, तो ये दो अलग अलग टाइप हो गए ना। जब आप लेयर के जस्ट लेयर नीचे लेयर रखेंगे, जैसे यहाँ रखिए, ये एक लेयर बन रही है पूरी यहाँ से यहाँ तक की, इन एटम के जस्ट नीचे एटम है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ लेयर या ए ए ए लेयर से रिप्रेजेंट कर देंगे। इससे जो हमारी बनेगी उसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एटम के सराउंडिंग में देखो एक स्क्वायर टाइप में बन रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो जाहिर है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको समझ आ जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इस एटम के रिस्पेक्ट में टोटल कितने एटम्स इससे डायरेक्टली अटैच है। एक तो देखो ये वाला इसको टच कर रहा है, एक ये वाला टच कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, कितने हुए टोटल, 4 हुए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। बस यही इसके अंदर था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अच्छा ये अभी 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, हो तो ये भी सकता था कि हम एक रो के जस्ट आगे दूसरी रो रख देते, जैसे देखो ये रखी हुई है, थोड़ा सा खिसका करके रख दी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ देखो एक एटम इसके रिस्पेक्ट में, एक ये वाला एटम इसको टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसका जो नाम है, नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप एटम्स के सेंटर को कंबाइन करोगे तो जैसे आपको दिख रहा होगा आपके सामने कैसी शेप बनी है, हेक्सागन, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अभी ये किसकी बात है, 2D की। सेम 2D में ही हमारे पास था स्क्वायर क्लोज पैकिंग विच हैड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नेक्स्ट कम्स 3D, और 3D में क्या है, 3D में देखो एक तो है कि आपने फर्स्ट लेयर के ऊपर ही, पहले जो दो लेयर्स थी उन्हीं के ऊपर तीसरी लेयर रख दी है डिट्टो सेम पैटर्न में, तो आप उसको बोलेंगे कुछ इस तरीके का, ये बन जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हमने ली थी उसी के ऊपर लेयर रख दी है, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ही 3D वर्जन है। इसके अंदर हमें AA टाइप पैटर्न देखने को मिलता है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मोस्टली जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन आता है वो 2D वाले से आता है। ठीक है, ओके। अब 3D के अंदर एक तो है पॉसिबल कि ये जो आप लेयर रख रहे हैं वो डिटो आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग उठाई और उसी में थर्ड लेयर रख दी। दूसरा मेथड ये है कि आप HCP में, हेक्सागोनल में भी तो रख सकते थे ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में थर्ड लेयर रख दो। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो आप थर्ड लेयर रख रहे हैं उसके दो तरीके हो सकते हैं, पहला है प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, या फिर हो सकता है कि प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द थर्ड लेयर, तीसरी को तीसरी के ऊपर ही रख रहे हैं। कैसे रखेंगे, देखिए ये जब हम रखते हैं तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि एक के अंदर तो क्या है, 1 2 3, ऐसे कुछ ये अरेंजमेंट था। इसके ऊपर जो हमने एटम रखा वो यहां कहीं पे आएगा, एक सेकेंड मैं इसको बड़ा बनाती हूँ, या बेटर है हमें यहां समझ आ जाएगा। देखो ये ब्लू कलर की बॉल्स आपको दिख रही हैं, 1 2 3,
तीन बॉल्स थी, इनके बीच में एक ट्रायंगल शेप में यहाँ पे एक छोटा सा एम्प्टी स्पेस था, देखो ऐसे करके खाली स्पेस बचा हुआ होगा। उस खाली स्पेस के जस्ट ऊपर आपने, जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर की बॉल रख दी। तो मैथमेटिशियंस हमें कहते हैं कि ये जो शेप बन जाएगी, ये जो ज्योमेट्री बनेगी, इसका नाम है टेट्राहेड्रन। और जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको आप कह सकते हैं वॉइड। तो हम कहेंगे कि ये जो टेट्राहेड्रन शेप में एम्प्टी स्पेस है, इसका नाम हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक। और अगर हम दूसरे तरीके से हमारी लेयर को प्लेस करते तो होता क्या कि तीन लेयर नीचे हैं, तीन ऊपर से आ रही हैं। ये जो तीन थी, ये जो ब्लू वाली तीन थी, ब्लू वाली की वजह से वही पहले वाला ऐसे करके कुछ एम्प्टी स्पेस बनता, ठीक है। और जो रेड वाली आप प्लेस कर रहे हैं, ये रेड वाली जो आप प्लेस कर रहे हैं, इनकी वजह से कुछ इस तरीके से एम्प्टी स्पेस बनेगा। दोनों के एम्प्टी स्पेस एक दूसरे को कवर करेंगे। तो हमने कहा कि अब जो ये एम्प्टी स्पेस की शेप जनरेट हुई है, ये भी मैथ्स ने दी हुई है कि इसका नाम है ऑक्टाहेड्रन। तो अगर ऑक्टाहेड्रन शेप का एम्प्टी स्पेस है, ऑक्टाहेड्रन शेप का वॉइड है, तो हम उसको बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसमें हमारे दो तरीके के वॉइड जनरेट होते हैं, एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरा है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपको निकालने आ सकते हैं क्वेश्चन में। करेंगे कैसे, देखिए, अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल n है, n यानी कि कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 जितना भी, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n मिलेंगे, लेकिन अगर पार्टिकल्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n मिलेंगे, यानी डबल ऑफ इट। तो अब आसान है हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, नंबर ऑफ पार्टिकल देखिए और उससे आप ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल n तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n, नंबर ऑफ पार्टिकल n तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, ट्वाइस ऑफ n, ठीक है, ओके। अभी n अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखो आप कर चुके हो इसको, अभी जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं, हमने देखा था ना SCC मतलब एटम प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, FCC एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस एवरी फेस सेंटर, BCC कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर एंड ECC कॉर्नर प्लस एज सेंटर, ठीक है। अच्छा, कॉर्नर पे देखो कितना होता था, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था 1/8, तो कितना आया 1 एटम, यानी कि सारे कॉर्नर को मिला करके एक क्यूब से सारे कॉर्नर्स को मिला करके हमारे पास कितना एटम आएगा 1 एटम, ओके। तो कॉर्नर से फिर यहाँ पे भी कितना आएगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 कॉर्नर से। नेक्स्ट देखो, FCC के अंदर तो फेस के सेंटर पे भी होते हैं, फेस के सेंटर पे टोटल फेसेस कितने होते हैं 6, एक फेस के सेंटर से कितना आता है 1/2, तो फिर ये कितना हो गया 1+3, यानी कि 4 एटम्स। तो आपका FCC स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम कितने 4। BCC में देखो, कॉर्नर से 1 प्लस बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे एक ही एटम आ सकता है, तो 1 1+1 2 एटम्स। यहाँ पे देखिए, कॉर्नर प्लस एज सेंटर एंड सेंटर, तो यहाँ पे आएगा आपका any 2 opposite faces, यही था ना इसमें, any 2 opposite faces, 2 faces से, एक फेस से कितना आता है हाफ, तो ये कितना हुआ 1+2 × 1/2 1 = 2, तो ये हो गए 2 atoms। तो ये जो अब आपने निकाला है SCC के लिए, FCC के लिए, BCC के लिए एंड ECC के लिए, ये सभी आपने n की वैल्यूज फाइंड आउट करी है कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं। SCC में 1, FCC में 4, BCC में 2, ECC में भी 2, तो ये सभी हैं आपकी n की वैल्यूज, नंबर ऑफ एटम। अगर आपको ये पता है तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड अब निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे? अगर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करें, सेम होता है, जितना नंबर ऑफ एटम उतना ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो एससीसी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड 1, एफसीसी के लिए बोले तो 4, बीसीसी में 2, ईसीसी में 2, टेट्राहेड्रल वर्ड पूछे तो इट इज डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो हम कहेंगे ट्वाइस ऑफ इतना, तो 2, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, ये हो गया, ऐसे निकल सकता है, ठीक है? देन कम्स पैकिंग एफिशिएंसी, या आप इसको बोल सकते हैं पैकिंग फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला ये होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। पैकिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, एटम्स ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट्स है, पूरे क्यूब की वॉल्यूम कितनी थी, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 100%, क्योंकि हम फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज की बारे टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए 100%। अच्छा, अब इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए एक छोटी सी चीज, वो क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी स्फीयर्स। एक क्यूब के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, एक क्यूब के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, उन सभी एटम्स की जो वॉल्यूम है वही तो होगी ना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। अब एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का है, एक स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 πr³, ये स्फीयर की वॉल्यूम है। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, अब ये डिपेंड करेगा आप कौन से टाइप ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम ले लेते हैं SCC, ठीक है, या हाँ ले सकते हैं SCC ले लेते हैं, ठीक है, SCC, तो 4/3 πr³, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। SCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई विद 1 कि एक ही एटम है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं मान लूं कि यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो है a, तो मैं कह दूंगी कि a क्यूब इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है SCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी इज 52.4%। इसी तरीके से नेक्स्ट हम निकालेंगे FCC और BCC के लिए। अब देखो FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होंगे, तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स कितनी हो जाएगी, 4 × 1 की वॉल्यूम 4/3 πr³, ठीक, ये हमारे पास आई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। अब डिवाइड किससे करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है, a क्यूब, ओके। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है नियरली 74%। सेम चीज BCC के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डिफरेंसेस BCC में हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते हैं, 2 × वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 πr³, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ × में 100%। आप कर लीजिए इसे कैलकुलेट, ये भी आपका कितना आएगा 68%। तो हम डायरेक्ट इसको लर्न भी कर सकते हैं, जिसे निकालनी है आप निकाल के देख सकते हैं आपकी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितनी होगी, 52.4% BCC के लिए, 68% और FCC के लिए 74%, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए रेडियस रेशियो इन एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम समझ गए ना, ये वाला जो था ऐसे ऐसे, ओके, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में किसी एटम को फिट कराना चाहे कि कोई एटम यहां पे फिट हो जाए, प्रेजेंट हो इसके अंदर,
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिन स्फीयर्स ने मिलकर के इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाया है, यानी कि ये यहाँ पूरा क्या था, एक एटम था, एक स्फीयर था, यहाँ क्या था, एक एटम एक स्फीयर, और ये एक एटम एक स्फीयर, उन्हीं से तो बना था ना ये ब्लू वाला वॉइड। और सिमिलरली अगर मैं रेड वाले को भी ज्वाइन कर दूं, रेड वाले एटम्स को भी बना दूं ऐसे ऐसे, और ये ऊपर रखा हुआ है ऐसे, ओके तो ये रेड वालों का कोई वो होगा ना रेडियस होगा, और ये जो यहाँ पे वॉइड है इसका अपना, इसमें हम कोई एटम रख सकते हैं, मैं इसमें ग्रीन वाला रख देता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन वाले का जो रेडियस होगा मैं मान लेती हूँ उसको स्मॉल आर, क्योंकि ये छोटा है। रेड वाले का जो रेडियस होगा उसको मैं मान लेती हूँ कैपिटल आर, क्योंकि ये बड़ा है। ये जो रेडियस, इन दोनों रेडियस का रेशियो आएगा, वो हमने निकाला हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए इट कम्स आउट 0.414, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए इट कम्स टू बी 0.225। ऑक्टाहेड्रल में अरेंजमेंट कुछ ऐसा मिलेगा, अगर आप टेट्राहेड्रल में पढ़ना चाहें तो कुछ ऐसा होगा, ये हो गया, और इसके ऊपर एक रख रहे हैं ऐसे। तो यहां जो रेडियस रेशियो है, ये जो बीच में आप रखेंगे ग्रीन, ये आपका आर अपॉन में कैपिटल आर, तो ये रेडियस रेशियो है। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कितना आएगा 0.225, और ऑक्टा के लिए कितना आएगा 0.414, ठीक है। चलिए बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।